हेलो एवरीवन, सुमन्स फूड फैक्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे कच्चे आम की चटपटी चटनी। ये बहुत इजी रेसिपी है। इसके लिए हमने लिए हैं 3 कच्चे आम, मीडियम साइज़ के कच्चे आम लिए हैं, 1 बड़ा प्याज ले लिया है, 1 कप पुदीने के पत्ते ले लिए हैं और आधा कप मैंने राउंड चिलीज़ ले ली हैं। ये ज़्यादा तीखी नहीं होती इसलिए मैंने आधा कप लिया है। आप इसके जगह 5 से 6 नॉर्मल हरी मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। राउंड चिलीज़ मेरे घर पर ही लगी थी इसलिए मैंने इन्हें इस्तेमाल कर लिया। मैंने कच्चे आम के छिलके उतार कर उसे 2 हिस्सों में काट कर और उसके गुठली को अलग करके निकाल दिया है। प्याज को भी बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है और हरी मिर्च को भी 2-2 टुकड़ों में काट लिया है। अब हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ इन सारी चीज़ों को मिला करके हम मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसके साथ हमें सिर्फ 1 चम्मच नमक और थोड़ी सी चीनी ऐड करनी है। ये मैंने नमक डाल दिया इसमें और चीनी मैं इस समय डालना भूल गई थी तो मैंने बाद में उसे मिक्स कर दिया था। आप इसमें चीनी 1 चम्मच इसी समय डाल दें। चटनी को ग्राइंड कर लेंगे। चटनी तैयार हो चुकी है। इसे किसी भी बॉल में ट्रांसफ़र करके फ्रिज में रख के आप 2 से 3 दिन तक आराम से इसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही चटपटी चटनी बनके तैयार हुई है। आप इसे रोटी, पराठे या दाल चावल किसी भी चीज़ के साथ सर्व करें। आपको ये चटनी की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।